यस प्यारा बच्चा आगे बढ़ो। ट्यून मैट्री में साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूलों के फॉर्मूले के बाद ओके साइन डी फॉर्मूले के बाद साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस डी प्लस कॉस ए साइन डी। इन्हीं फॉर्मूले से हम आगे नए नए फॉर्मूले बनाने। मेरी भरपूर कोशिश ये है चार चार फॉर्मूले कैसे बनते जा रहे हैं आपको याद हो जाए हैंड टू हैंड। भरपूर कोशिश मेरी ये है। ऑफलाइन होते तो याद थे फिर तो डन मेरे ऊपर डिपेंड था। ऑनलाइन में भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता आप इतना लंबा स्टेटमेंट लेके पेपर लेके बैठ जाए सारे फॉर्मूले दिए उसमें और यही होता है। लो ये फॉर्मूले साले और क्वेश्चन करते रहो बस इसमें देखते रहो करते रहो और वहीं कहानी गड़बड़ होती है। बस याद करो जिसमें CBSE IAS वाले जितने बच्चे से देख रहे होंगे आप जानते हैं आपके स्कूल कितने बच्चों के 100 में 100 नंबर पूरे आए हैं। दो तो सगे भाई थे ये सड़ाना हेमंत सड़ाना ठीक और गाने के नाम CBSE में लाइन लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात जिन बच्चों के भी 100 में 100 नंबर आए हैं उनकी एक और खासियत है मैं 2.5 और 2 घंटे के बीच में पेपर पूरा कर लेता हूँ। पहली बात तो मेरे यहाँ बैठ के जैसे पेपर सॉल्विंग प्रोग्राम स्टार्ट होता है 3-3 घंटे वाला उसी में पता चल जाता है। कहना मेरा मतलब ये है कि कभी भी देख फॉर्मूले अपने सामने रखे हुए और काम करो कभी मत करना। आज जो फॉर्मूले ड्राइवर है ये बता रहा हूँ और ये फॉर्मूले पहले आपको लर्न करने है और कोई काम नहीं करना है दूसरा तब आगे बढ़ना। साइन 30 प्लस 60 साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 30 ठीक है। यानी कि यहाँ कुछ भी रख दो हर नंबर के लिए फॉर्मूला वैलिड है। अगर बी की वैल्यू भी ए रखना बी की जगह ए रखना साइन ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2 है। यहाँ भी बी जाए ए रखो साइन ए कॉस है प्लस साइन ए कॉस है साइन ए प्लस कॉस है प्लस साइन ए प्लस कॉस सॉरी साइन ए कॉस है प्लस साइन ए कॉस है ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस साइन 2 ए इज 2 साइन ए कॉस ओके। इस साइन डी को दे रखें बी जो ए रख दो तो कॉस ए प्लस ए कॉस 2 है यानी बी जो ए रख दो तो कॉस ए कॉस है कॉस स्क्वायर और माइनस साइन है साइन ए भी ए बन जाए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर सीधा फॉर्म। अगर इसको लिख दें हम साइन स्क्वायर है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो बाहर से माइनस है तो माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा या इसे लिखते 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस 1 मोर साइन स्क्वायर माइनस के 2 साइन स्क्वायर कॉस 2 है 3 फॉर्मूले साइन 2 एगा 2 साइन है कॉस है कॉस 2 ए का कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है एज वेल एज 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 एज वेल एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। टेन 2 में बी को देखिए टेन ए प्लस ए टेन 2 है टेन ए प्लस टेन ए 2 टेन है अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए टेन स्क्वायर। ये फॉर्मूले लर्न ये ड्राइव कैसे कैसे बताए हल्के से मैं सीधे यहाँ लिख रहा हूँ क्लाउड के अंदर। क्लाउड के अंदर लिखना मतलब यह है कि शुड बी लर्न शुड बी लर्न शुड बी लर्न साइन 2 ए इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। खासियत क्या है इनकी ये फॉर्मूले जो आज इस वीडियो में आप देख रहे हो ये हैं एंगल्स को हाफ में कन्वर्ट करने वाले। यहाँ 2 है तो वहाँ पे ए आ गया अगर यहाँ पे ए होता तो वहाँ ए बाई टू आ जाएगा साइन ए इक्वल टू 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू जो भी यहाँ पे एंगल आएगा वहाँ पे आधा आधा है। ये विशेषता आज इन फॉर्मूले की है।
कॉस टू है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ऑल्सो कॉस टू इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर है माइनस वन। अब कॉस ए होता तो टू कॉस स्क्वायर है बाई टू माइनस जो भी होगा उसका आधा है। सारे फॉर्मूले की आज की विशेषता यही है कॉस टू एज वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। इस तरह से टेन टू ए इज टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर और टेन ए होता तो टू टेन ए बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। वास्तव में जो भी होगा उसका आधा उधर है इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया। अब जो दो फॉर्मूले आ रहे हैं उनका नाम ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। नाम ही उनका यही है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। वन माइनस कॉस टू ए का फॉर्मूला और वन प्लस कॉस टू ए का फॉर्मूला। ठीक है देखिए वन के साथ कॉस्ट को उधर ले आओ तो वन माइनस कॉस्ट इसको उधर ले आओ तो वन माइनस कॉस्ट वे का बन जाएगा टू साइन स्क्वायर। और इसे देख लीजिए माइनस को उधर ले आओ तो वन प्लस कॉस्ट हुए क्या बचा वन प्लस कॉस्ट हुए टू कॉस स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इन फॉर्मूलों को आंख बंद करके लगा दो हो जाएंगे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट। और एक इम्पॉर्टेंट इस कारण से भी कि उल्टे भी यूज होंगे सुलटे भी यूज होंगे सीधे भी और उल्टे भी। जहां देखोगे वन माइनस कॉस तो तुरंत टू साइन स्क्वायर बनता है और फिर जो भी यहां पे एंगल होगा उसका आधा यहां पर टू ए है तो ए खुद ए होता ए बाय ठीक है पर वन माइनस कॉस देखे तुरंत टू साइन स्क्वायर लिखते हैं और फिर उसका एंगल आधा वन प्लस कॉस देखते ही तुरंत पहले टू कॉस स्क्वायर टू कॉस और जो भी यहां पे एंगल होगा उसका आधा यहां पे। ये तरीका इन फॉर्मूले को याद करने का है। आपको साइन टू ए का फॉर्मूला टू साइन ए कॉस है याद हो गया। कॉस टू ए के फॉर्मूले कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है टू कॉस स्क्वायर माइनस वन वन माइनस टू साइन स्क्वायर याद हो गया। टेन टू ए का फॉर्मूला टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर है याद हो गया। वेन पॉइंट फॉर्मूले वन माइनस कॉस टू इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर है वन प्लस कॉस टू इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर है याद हो गया। ओके साइन टू ए का फॉर्मूला और कॉस टू ए के फॉर्मूले 10 के टर्म्स में इस वीडियो का अंतिम भाग। इससे देखिए एक ट्रायंगल में और यह एंगल 2 है 10 होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये पूरा होगा बेस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए रहा तभी 10 टू ए दिस कौन दिस है हाफ बेस निकाल लो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वन माइनस
टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर फोर टेन स्क्वायर है, वन प्लस हॉल्स को ओपन करूँ टेन पावर फोर है और माइनस टू टेन स्क्वायर और प्लस फोर टेन स्क्वायर तो माइनस टू प्लस फोर प्लस टू बच जाए सारा कंबाइंड और ये बन गया वन प्लस टेन स्क्वायर है का होल स्क्वायर। हैप्पीनेस स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर है का स्क्वायर तो हैप्पीनेस इज इक्वल टू स्क्वायर डाल दो वन प्लस टेन स्क्वायर। अब हैप्पीनेस पाइथागोरस थ्योरम से अपना भी निकाल सकते हो अगर छोटा छोटा दिखाई ना दे रहा हो तो। अब देखना साइन टू कितना होगा, टू साइन कॉस तो होता ही है एज वेल एज इन द टर्म्स ऑफ टेन टी एंड टेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर कॉस टू में तीन फॉर्म तो होते ही याद करने करने टेन के टर्म्स में cos 2 है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ठीक है रे बच्चों tan 2a के विशेष फॉर्मूले मैं इसकी पिक करके नहीं भेजना दिखाई दे रहा पॉज करके मेरा आपसे ये कहना है मेरे बच्चों अगर आप मेरे से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और कुछ भी आपके मेरे द्वारा समझ में आया है तो बच्चों मेरी बहुत बड़ी चाहत है कि जैसा मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आगे चलो 2a के सारे फॉर्मूले पहले लर्न करो बस तब आरडी शर्मा से 2a वाली एक्सरसाइज शुरू कर दो। एक क्वेश्चन अभी कभी देता हूँ बेहद आसान क्वेश्चन जितने भी क्लाउड में फॉर्मूले लिखे हैं सबके लेफ्ट हैंड में 2a है तो राइट हैंड में a है ये सारे फॉर्मूले जब भी सही हो जाएंगे जब राइट में a होगा लेफ्ट में तो राइट में ए बाई टू कर देंगे इधर जो भी एंगल होंगे इधर उसके आधे एंगल होंगे भाई ये ध्यान। एक क्वेश्चन देता हूँ मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा भाई आप आर डी शर्मा से करेंगे जब शुरू करेंगे। हाँ एक बात और बच्चों जब उसका रास्ता खुल गया ना तो एक बात आप ध्यान रखेंगे बच्चों सॉल्ड एग्जाम्पल अब नहीं देखने हैं बहुत विशेष वक्त है। अगर आप इसकी इन फॉर्मूले की तैयारी मेरे प्लान से पहले खुद करते तो अच्छी बात है फिर सॉल्ड एग्जाम्पल देखते कैसे कर करना और फिर शुरू हो जाते हैं। पर अब ये बात आपको मैंने बताई है एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ तो इसके बाद अब सॉल्ड एग्जाम्पल देख के आप चार कदम पिछड़ जाओगे आगे नहीं बढ़ोगे इसे अब आप सीधी एक्सरसाइज करें सर ठीक है बीच में फिर आप सॉल्ड एग्जाम्पल देख सकते हो जिसका सॉल्यूशन फिर आपको देखने की जरूरत ही नहीं करनी मन ही नहीं करने का आप अपना करोगे उसको। क्वेश्चन नंबर फाइव प्रूफ करना तो एक एल एच एस साइन टू ए अपॉन वन प्लस कॉस टू ए टेन एल और जहाँ वन प्लस कॉस या वन माइनस कॉस आ गया इतनी जोर से उसमें कि सिर्फ उठ जाए छत से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का जहाँ भी लिंग दिख गया समझो क्वेश्चन हो गया बस वन प्लस कॉस टू कॉस स्क्वायर एक छोटी कमी टू कॉस और टू ए का आधा कुछ तोड़ दो टू साइन ए कॉस टू से टू कैंसिल कॉस ए का स्क्वायर कैंसिल साइन अपॉन कॉस ए
टेन है राइट आंसर। प्रूव बेहद आसान क्वेश्चन, किंतु आपने ये क्वेश्चन नोट किया फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पेज देख रहे हो क्या फॉर्मूला था? तो बच्चों मैं नाराज होऊंगा, बिल्कुल नाराज। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द फॉर्मूला, और मैं आपको क्या बताऊंगा सर, बिल्कुल सिंपल है। एक और देख लो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सिक्स का थर्ड लेफ्ट हैंड साइड है कॉस थीटा प्लस साइन टू थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन वन माइनस कॉस टू थीटा प्लस साइन थीटा। क्या करें कैसे करें? अरे मेरे प्यारे बच्चों, अगर इतना दिग्गज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो इतनी जोर से उसको सिर्फ दोबारा फूट जाए, क्योंकि हिंट मिल गया आगे बढ़ने का। लाना कॉट थीटा प्रूफ करना बच्चों हैं। वन माइनस कॉस टू साइन स्क्वायर, इसका अर्थ था ठीक प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर क्या कॉमन है? कॉस थीटा वन प्लस टू साइन थीटा, नीचे क्या कॉमन है? साइन थीटा टू साइन थीटा प्लस वन इज इक्वल टू कॉट थीटा, राइट हैंड साइड। शो पहले फॉर्मूला लर्न कर लेना तब करना एक्सरसाइज स्टार्ट, ओके okay?